बाबा राम रहीम एक ऐसे बाबा हैं जिनसे शायद ही कोई काम करने के लिए बचा हो। आध्यात्मिक गुरु, फिल्म के हीरो, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, किसान, हर काम बाबा कर सकते हैं। साथ ही बाबा राम रहीम कंट्रोवर्सी के भी गुरु हैं। विवादों में फंसे बाबा राम रहीम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन उनकी दूसरी पहचान है मॉडिफाइड गाड़ियाँ। फिल्मों से लेकर बाबा के पास डेली यूज के लिए पर्सनल गाड़ियों का कलेक्शन है, या यूं कहें कि बाबा का एक अलग ही कार लोक है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि बाबा ने ये कारें खुद डिजाइन की हैं। यही नहीं, बाबा राम रहीम एक्सीडेंट में कबाड़ हुई कार से अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं। अपनी फिल्मों में भी बाबा इन गाड़ियों के साथ नजर आते हैं। कार, ट्रैक्टर हो या फिर साइकिल, आपको हर गाड़ी मॉडिफाइड मिलेगी। यहाँ तक कि जेड सिक्योरिटी वाले बाबा राम रहीम की सिक्योरिटी में भी मॉडिफाइड कार्स का इस्तेमाल होता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा राम रहीम जब कहीं रुकते हैं तो उनकी गाड़ियों को भक्त टेंट से ढक देते हैं। इसके बाद बाबा खुद डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। उनके बैठने के बाद ही टेंट को हटाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाबा के काफिले में कोई सेंध ना मार सके, लेकिन जो बाबा खुद सब कुछ कर सकते हैं उन्हें डर किस बात की। बाबा राम रहीम के पास हरियाणा के सिरसा में करीब 700 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है। बाबा डेरा सच्चा सौदा नाम के धार्मिक संगठन के प्रमुख हैं। डेरा सच्चा सौदा का सर न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। इनका आश्रम कई चैरिटी प्रोग्राम भी चलाता है। NMF News की रिपोर्ट।